तो गाइस यार क्या हाल चाल है यार, आ चुके हैं न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर के वापस। आज के इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग ये वाले वीडियो को एडिट करने वाले गाइस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस देखने में। ओके सो बात करेगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो का शूटिंग गाइस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इतना भी नहीं। ओके तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो का शूटिंग गाइस क्लियरली समझा देता हूँ। ओके तो पहला वीडियो गाइस आपको जिस तरह से शूट करना है, ओके हैंड को जिस तरह से ऊपर करना, ठीक है, एंड शूट की बजाना है। बस फर्स्ट शूट ये हो गया। एंड आपको सेकेंड शूट करना है गाइस, कहीं बैठ जाना आपको, ठीक है। ध्यान रखेगा इस पीछे जो ज़्यादा पेड़ पौधे ना आएगा, इस भरे भरे, ठीक है, छोटा आएगा तो चलेगा। ओके एंड कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके एंड उसी वीडियो के अंदर गाइस आपको दूसरा एडिटिंग करना है ना, हैंड को गाइस कुछ इस तरीके से कर लेना गाइस। ओके एक वीडियो में दो वीडियो आपको यहाँ पर शूट हो गया एंड एक फर्स्ट हो गया, तीन वीडियो यहाँ पर शूट हो चुका मेरा। एंड लास्ट का वीडियो आपको गाइस सिंपली इस तरीके से चल के जाना है एंड शूट करना गाइस। ओके इस वीडियो में गाइस खास करके गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका पैर के नीचे गाइस पूरा आसमान ही आसमान आए। ओके पेड़ पौधा ना आए, नहीं तो गाइस ख़राब हो सकता है आपका वीडियो। ओके और एक चीज़ गाइस इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि गाइस आप वीडियो को शूट करो तो आपका स्काई जो गाइस वो प्रॉपर वाइट हो। प्रॉपर वाइट नहीं होगा कोई तो थोड़ा सा चलेगा। ओके लेकिन गाइस वाइट होना चाहिए, नहीं तो गाइस पूरा का पूरा जो खेल वो गड़बड़ा जाएगा। ओके सो ये तो गाइस शूटिंग के बाद गाइस अब बात करते हैं गाइस मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, लेकिन गाइस पहले वीडियो देखो तब जाकर मटेरियल डाउनलोड करना, नहीं तो गाइस मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैं कर भी क्या सकता हूँ गाइस, ओके आप लोग की मर्जी है। ओके तो यार काइन मास्टर, अब बात करते हैं काइन मास्टर के बारे में। आपको कहाँ से मिलेगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो गाइस, मैं आपको डायरेक्ट लिंक उधर ही सेंड कर दूंगा गाइस। ओके तो सर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। तो वैसे आ चुके हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन पर। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 9:16 का जो रेशियो है उसको सिलेक्ट करके गाइस आपको अपने दो वीडियोस को ऐड कर लेना गाइस। एंड सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने दो वीडियो को गाइस और अपना ये लास्ट का ये बैकग्राउंड भी आपको ऐड कर लेना होगा। ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, इन वीडियोज़ का जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा गाइस उसको आपको कट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने सारे वीडियोज़ का एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया गाइस। ओके फर्स्ट ये वाला वीडियो गाइस, ओके एंड सेकेंड ये वाला वीडियो कुछ बैठ के, एंड थर्ड गाइस ये वाला अपना वीडियो हुआ, एंड फोर्थ अपना ये वाला वीडियो। ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, इन वीडियोस को गाइस आपको सेट कर लेना होगा गाइस। जैसे कि ये मेरा बहुत दूर में बैठ गया है तो हम इसको क्लोज़ कर लेंगे गाइस। ओके यहाँ से दोनों वीडियोस को बराबर से क्लोज़ कर लेते हैं। सो दोनों वीडियो को गाइस मैंने इधर क्लोज कर लिया है। ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको ऐड करना गाइस अपना म्यूज़िक को। ओके तो ऑडियो पे चलते हैं गाइस, यहाँ पर सॉन्ग पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक को बराबर से हम लोग ढूंढ लेंगे गाइस। सो सॉन्ग को आ जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग गाइस आपको अपना वीडियो को मैच कर लेना होगा गाइस। ओके जैसे यहाँ पर लोग देख सकते हो मैच नहीं है, तो फटाफट से गाइस मैं सुनता हूँ और इस सॉन्ग को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग मैच कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने वीडियो को गाइस साउंड के अकॉर्डिंग मैच कर लिया गाइस। ओके अगर आपको साउंड के अकॉर्डिंग मैच करना नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम से गाइस मेरा ये वाला वीडियो को डाउनलोड कर लेना गाइस, एडिटिंग वाला वीडियो को, और उसको गाइस यहाँ पर साइड में रख के गाइस आप अपने वीडियो को मैच कर सकते हो। ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना गाइस, इसको आपको हल्का सा जूम करना इस तरीके से। ओके अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट करना होगा, जैसे कि अपने हैंड में जैसे ही ऊपर जा रहा कुछ यहाँ पर, ठीक है, इतना मैं आपको कट कर देना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना होगा गाइस थोड़ा कलर ग्रेडिंग। ओके अब कैसा कलर ग्रेडिंग करना गाइस मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, एडजस्टमेंट में जाना गाइस, आपको नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा दो ऑप्शन गाइस, ग्रीन और गामा का, ठीक है। इसको आपको हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है, एंड इसको भी हल्का सा आपको बढ़ाना है। मिला जुलेगा गाइस आपको अपना जो स्काई है ना उसको आपको वाइट कर देना गाइस, ठीक है। और ये काम करना गाइस आपको इस वीडियो में, ओके एंड इस वाले वीडियो में भी एंड इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो फटाफट से गाइस हम इसको ब्लैक कर देते हैं, यानी कि वाइट कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने तीन वीडियो को गाइस इधर से वाइट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, खाली इस वीडियो का ये मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ के गाइस। ओके अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। ओके एंड यहाँ पर आपको ऐड करना होगा गाइस एक स्काई वाला वीडियो एंड एक स्काई वाला फोटो एंड एक वीडियो को ऐड करना होगा। तो फटाफट से ऐड कर लेते हैं गाइस लेयर एंड मीडिया से। तो स्काई वाला फोटो इधर आ चुका है गाइस। ओके अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जूम करेंगे। ओके एंड थोड़ा सा इसको ऊपर करके गाइस
यहाँ पर जाएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे गाइस मल्टीप्लाई। ओके एंड यहाँ पर आप डार्क एन भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट करूँगा गाइस अभी। ओके मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने गाइस, एंड आपको थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट भी करना होगा गाइस, ठीक है। जैसे इस स्काई पर हम इसको बड़ा करते हैं गाइस, थोड़ा सा जूम करके कुछ इस तरह से लगा देंगे गाइस। ओके इस तरह से लगा दिए गाइस। अब यहाँ पर जैसे दूसरा स्काई हमको अपना ऐड करना है गाइस, जैसे हम चुटकी बजाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कट करेंगे एंड अपना दूसरा वाला स्काई का वीडियो ऐड करेंगे गाइस। तो स्काई वाला वीडियो इधर आ चुका है गाइस। नीचे से आपको ब्लैक वाला पार्ट गाइस अब यहाँ से आपको क्रॉप कर देना होगा। ओके क्रॉप करने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पर जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेना गाइस। ओके एंड इस तरह से बड़ा कर देना है। अब यहाँ पर गाइस मुझे नीचे शैडो भी बनाना पड़ेगा, तो अब क्या करते हैं गाइस इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। देखो गाइस अगर नीचे आपका अगर कुछ भी नहीं है तो आप शैडो वैडो क्रिएट मत करना गाइस, डबल मेहनत लग जाएगा आपको, ठीक है। मेरा पानी है तो गाइस मुझे शैडो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। सो इस तरह से घुमा देते हैं गाइस एंड नीचे लगा देंगे कुछ इस तरीके से, हो गया शैडो अपना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, ऐड करेंगे गाइस मून वाला इमेज को। ओके लेयर पर चलते हैं, मीडिया पर चलते हैं गाइस। सो मून वाला फोटो इधर आ चुका है, इसको आपको छोटा करना है एंड यहाँ पर आपको लगा देना गाइस कुछ इस तरीके से। ओके सो जैसे यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर हम लोग अपने हैंड पर गाइस सेट कर लेंगे। ओके सेट करने के गाइस यहाँ पर आएंगे, इधर से आपको यहाँ से कट कर देना है। फर्स्ट वीडियो में ही आपको सिर्फ इसको रखना होगा, ठीक है। कट करने के गाइस यहाँ पर आपको अब की एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा गाइस। ओके तो फटाफट से गाइस हम की एनिमेशन भी ऐड कर लेते हैं अपने वीडियो में। इधर जाना गाइस एंड जैसे जैसे आपका हैंड मूव करेगा वैसे वैसे आपको की एनिमेट करना होगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने अभी जल्दी जल्दी में इसको गाइस की एनिमेट कर दिया गाइस, क्योंकि अभी मुझे बताना है आप लोग इत्मीनान से गाइस अच्छे से करना। ओके मून ऐड करने के लिए यहाँ पर मेरा शैडो भी बन रहा है, तो शैडो के अकॉर्डिंग गाइस हमको यही वाला मून नीचे लगाना होगा। ओके तो फटाफट से गाइस हम उसको भी लगा देते हैं। ओके इसी का डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे गाइस। देखो गाइस शैडो है तो डबल मेहनत तो करना ही पड़ेगा गाइस। ओके अगर आपका शैडो नहीं है तो आप डबल मेहनत ना करना, ठीक है। उसके बाद गाइस इसका की फ्रेमिंग जो मैंने किया है इसको हटा देंगे, ये तो मुझे डबल मेहनत लग रहा है। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, नीचे यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है नीचे गाइस यहाँ पर लगा देंगे गाइस सेम, ठीक है। इसको ब्लेंडिंग में जाके गाइस ओवरले, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके गाइस इसको भी हैंड के अकॉर्डिंग गाइस की एनिमेट कर देना है आपको। ओके तो इसको भी हम बराबर से की एनिमेट कर लेते हैं गाइस। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद गाइस आपका वीडियो फर्स्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। पहले मैं साउंड को बंद कर लेता हूँ गाइस, कॉपीराइट इशू होएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका वीडियो कुछ इस तरीके से हो जाएगा गाइस। ओके अब यहाँ पर आपको सेकंड वीडियो पे अपना आना है एंड यहाँ पर आपको ऐड करना गाइस थंडर वाला वीडियो। ओके तो फटाफट से हम लोग ऐड कर लेते हैं गाइस लेयर एंड मीडिया से। सो थंडर वाला वीडियो इधर आ चुका गाइस। ओके अब यहाँ पर आपको क्या करना गाइस, इसको जूम करना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह से लगाना गाइस। ओके एंड ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके गाइस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना मल्टीप्लाई। ओके मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने के बाद कुछ वीडियो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको और जूम करता हूँ, ठीक है, नीचे वाला जो एरिया वो कट जाए। ओके सो सेट कर लेना गाइस आपको अपने वीडियो में अच्छे से। ओके एंड यहाँ जितना रहेगा गाइस ये वाला वीडियो, ओके उतना मैं आपको इसको कट कर देना गाइस। ओके एंड आपको देख लेना गाइस इस वीडियो में आपको कौन सा थंडर वाला पार्ट चाहिए, आप देख सकते हो गाइस इजीली। ओके अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, हमको जो अपना ये गाइस बॉडी इसको पूरा यहाँ पर ब्लैक करना है, ठीक है। तो कलर करेक्शन में जाएंगे यानी कि एडजस्टमेंट में जाएंगे गाइस, ब्राइटनेस को लो हाई करके आप लोग को देख लेना गाइस, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं फटाफट, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक हो गया गाइस आप लोग देखो, ठीक है। एंड सेम इस वाले को भी आपको ब्लैक कर देना होगा, ठीक है, पूरा ब्लैक बॉडी पूरा ब्लैक रहेगा, ठीक है। गेम में जाके इसको हम लोग थोड़ा सा इस बंद कर देते हैं। सो यहाँ पर गाइस अपना बॉडी भी ब्लैक हो चुका है, ये भी ऐड हो गया गाइस। एंड अपने जो थर्ड वीडियो में गाइस, ओके यहाँ पर आपको एक लड़की का इमेज लगाना होगा गाइस। ओके तो यहाँ पर चलना गाइस लेयर एंड मीडिया पे, तो इसको ऐड करना गाइस आपको कुछ इस तरीके से। ओके एंड यहाँ पर मेरा बॉडी शो हो जा, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है। छोटा करेंगे गाइस इस तरीके से, वहाँ पर बैठा देंगे। एंड इसको सेंड टू बैक कर देना है,
एंड एडजस्टमेंट में जाके गाइस इसको भी आपको ब्लैक कर देना है। ओके सो इस तरीके से कर देना गाइस। अब यहाँ पर आपको गाइस एक इमेज को ऐड करना होगा ब्लैक बैकग्राउंड को, ठीक है, अपने सेकेंड वीडियो से गाइस, थर्ड वीडियो में। ओके लेयर एंड मीडिया से ऐड करने के बाद इसको आपको इस तरीके से बड़ा करना है एंड नीचे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगा देना गाइस। एंड इसको खींच के गाइस आपको अपने दूसरे वीडियो के पे पूरा बराबर सेट कर लेना गाइस। ओके यहाँ पर गर्ल का फोटो गाइस ज़्यादा हो रहा है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हुआ गाइस, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गाइस आपको गाइस इसको अच्छे से मतलब इसमें जो वीडियो गाइस ये थंडर वाला वीडियो जो गाइस काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो आपको देख लेना है कौन सा अच्छा पार्ट होगा गाइस, कोई चीज़ आप वो वाला पार्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके अब इस वीडियो में आते हैं गाइस। ओके एंड यहाँ पर आपको ऐड करना गाइस अपना लास्ट वाला वीडियो लेयर से गाइस, लेयर एंड मीडिया से। सो वीडियो को ऐड करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना होगा। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद गाइस यहाँ पर अपना वीडियो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इतना आपको कट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जाना गाइस इधर की तरफ को, यानी कि क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पर मास्क को इनेबल करना है, शेप में जाके गाइस इसको सर्कल को ऐड करना है एंड इसको गाइस आपको इस तरीके से सेट कर लेना गाइस अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको जाना गाइस इधर की तरफ को, फेदर को आपको हल्का सा हाई करना गाइस। ओके पूरा हाई कर देना फेदर को। ओके एंड जाना गाइस आपको नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेना गाइस एंड इसको नीचे सेट कर देना कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आपको कलर ग्रेडिंग करना होगा गाइस एडजस्टमेंट में जाके करके, थोड़ा सा ब्लैक करना, नहीं थोड़ा सा वाइट ही रखना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेना। ओके एंड इस तरीके से आपका वीडियो रेडी हो जाएगा गाइस। सो यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, वो एक चीज़ रहेगा शैडो, इसका सिंपली इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे गाइस एंड इसको उल्टा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। एंड जाना आपको इधर किधर किधर रोटेशन में गाइस एंड इसको ये वाला आपको सेलेक्ट करके गाइस रोटेट कर देना है। ओके एंड थोड़ा सा सीधा करके मिरर कर देना गाइस वहाँ पर जाके आपको, ठीक है, सेट करके गाइस राइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर अपना जो पूरा का पूरा वीडियो एडिटिंग यहाँ का भी प्रोसेस ख़त्म हो गया गाइस। यहाँ पर ऐड करना है आपको ट्रांजिशन, ओके ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखो गाइस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ना। अब इस वीडियो को हम लोग सिंपली यहाँ से कर लेंगे गाइस एक्सपोर्ट। ओके एक्सपोर्ट करने के बाद आपको आ जाना होगा बैक। ओके यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना गाइस अपना एक्सपोर्ट वाला वीडियो को ले लेना है। सो हेलो अपना एक्सपोर्ट वाला वीडियो इधर आ चुका गाइस। ओके एंड यहाँ पर अपने जितने पार्ट में गाइस अपने वीडियो को एडिट कराया उस पार्ट को आपको कट कर देना होगा गाइस। ओके फर्स्ट यहाँ पर कट होगा, सेकेंड कुछ यहाँ पर, ठीक है, थर्ड यहाँ पर, यहाँ पर कट होगा गाइस। ओके अब यहाँ पर आपको इस वाले ट्रांजिशन में आना गाइस लास्ट वाला, नीचे जाना गाइस यहाँ पर आपको क्लासिक ट्रांजिशन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला सेलेक्ट गाइस टाइमिंग 0.5 से कुछ इतना मैं आपको रख देना गाइस। ओके एंड इस पर भी आपको आना है एंड सेम ट्रांजिशन ऐड करना गाइस, ठीक है। अब ये वाला ट्रांजिशन में आपको आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेविटी वेल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। वंस मैं आपको सेलेक्ट करना गाइस, इसका टाइमिंग आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड राइट पे क्लिक कर देना है। सो अब यहाँ पर आपको इस सारे वीडियोस का साउंड को आपको ऑफ कर देना होगा। क्यों करना होगा गाइस? क्योंकि ट्रांजिशन ऐड करने को गाइस साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है कहीं पर कम हो जाता है यहीं पर, ठीक है। एंड अगेन गाइस आपको फिर से यही वाला वीडियो ऐड करना है लेयर एंड मीडिया से गाइस, इसका एक्ट्रैक्ट ऑडियो यहाँ से आप कर लेना। ओके गाइस एंड यहाँ पर गाइस अपना पूरा का पूरा वीडियो एडिटिंग खत्म होता है गाइस। तो आई होप कि आपको आज का ये वाला वीडियो गाइस पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हो यार, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो फिर आप सुनते ऐसे ही वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।